हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपके आधार कार्ड पे कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है जिससे आप उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमें आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है और मोबाइल नंबर हमें पता नहीं होता है कि मोबाइल नंबर उस पर लगा हुआ कौन सा है, कौन सा लिंक है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं ये टॉपिक क्लियर करूँगा कि आपके आधार कार्ड पर कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है, वो भी मोबाइल फ़ोन से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे UID वाली वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये टाइप करने के बाद में आपको सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक भाषा चूज़ करेंगे आप, इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि आधार सर्विस वाली जो वेबसाइट है इस पे आ जाना है। ठीक है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, पहले आधार लिंकिंग स्टेटस, दूसरा भी आधार लिंकिंग स्टेटस, तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, जिस आधार कार्ड के बारे में आपको जानना है कि हमारे कौन से वाले आधार कार्ड पर कौन सा नंबर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है इसको फिल करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ ये, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आएगा, उसके बाद में एज ब्रांड आ जाएगा 20 से 30 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पर जेंडर, ये आधार कार्ड लड़की का है या फिर लड़के का है, इस तरीके से। स्टेटस में आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ये आधार कार्ड है। मोबाइल नंबर इसमें कौन सा लगा हुआ है, लास्ट में 3 डिजिट दिखा रहा है कि लास्ट में जिस मोबाइल नंबर में 910 हैं वो इस आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरीके की नॉलेज सभी लोगों को आसानी से पता चल जाए, जो कि अपना पैसा बचा सकते हैं। आप अपने स्वयं से अपने आधार कार्ड के बारे में किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में बताएं आप क्या सर्च करने वाले हैं।